हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। अगर आपको हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, या फिर फेशियल हेयर्स की प्रॉब्लम है, या फिर डार्क स्पॉट्स या डार्क लिप्स की प्रॉब्लम है, तो इस वीडियो में आपको ये सारी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से एंड तक पूरा देखें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आपको कुछ नहीं करना, बस वीडियो को लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, अगर आपको फेशियल हेयर की प्रॉब्लम है, मतलब अगर आप अपर लिप्स के हेयर्स को हटाना चाहते हैं पर आप शेव नहीं करते, आपको शेव करना पसंद नहीं है, तो डोंट वरी, इस प्रॉब्लम के लिए भी एक अच्छा सा सोल्यूशन है। आपको लेना है आधे चम्मच जितना बेसन, और उसमें मिलाएं 2-3 पिंच हल्दी के, और मिलाएं आधा नींबू का रस। इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये कुछ इस तरीके का पेस्ट बन जाएगा। अब हम इस पेस्ट को अपने अपर लिप्स पर अप्लाई करेंगे। इसे आप फेस पर कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं जहां के फेशियल हेयर्स आप हटाना चाहते हैं। मैं इसे अपर लिप्स पर अप्लाई कर रही हूं। इस पेस्ट को सूखने तक अपने फेस पर रखना है। फिर जैसे ही ये सूख जाए, आपको धीरे धीरे रब करना स्टार्ट करना है। आप हेयर्स के अगेंस्ट डायरेक्शन में इसे रब करना स्टार्ट करें। इसे आपको धीरे धीरे रब करना है, बिल्कुल भी जोर नहीं लगाना, जोर से रब नहीं करना, बहुत धीरे धीरे रब करना है। आपको हर 3 दिन में ये रेमेडी फॉलो करनी है, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। स्लोली स्लोली इसे 2 मिनट तक रब करने के बाद आपको नॉर्मल पानी से अपना फेस वॉश कर लेना है। दोस्तों, अगर आपके फेस पर पिंपल मार्क्स रह गए हैं, या आपके फेस पर कहीं भी दाग धब्बे हैं जिन्हें आप हटाना चाहते हो, तो इसके लिए एक बहुत अच्छा सा सोल्यूशन है। आपको लेना है 1 चम्मच ACV, मतलब एप्पल साइडर विनेगर, और उसमें मिलाना है आधा चम्मच हनी और 1 चम्मच रोज वाटर। तीनों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। अब हम इसे स्पॉट्स पर अप्लाई करेंगे। आपको उंगली से इसे वहां वहां लगाना है जहां जहां आपके स्पॉट्स हैं। आपके फेस पर कहीं भी स्पॉट्स हैं, आप सीधे इसे डायरेक्टली अपने स्पॉट्स पर अप्लाई करें, कुछ इस तरीके से। आप इस रेमेडी को एक दिन छोड़कर उसके अगले दिन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इस रेमेडी को हर अल्टरनेट डे अप्लाई करेंगे तो आपके स्पॉट्स जाने लगेंगे। आपको इसे अपने फेस पर 10 मिनट के लिए रखना है, फिर नॉर्मल पानी से फेस वॉश कर लीजिए। दोस्तों, अगर आपके लिप्स बहुत ज्यादा डार्क हो गए हैं या फिर फटने लग गए हैं, तो इसके लिए एक बहुत अच्छा सा DIY है। आपको 1 चम्मच जितनी चीनी लेनी है, और चम्मच से इस तरीके से उसे प्रेस करते रहना है ताकि वो दरदरी हो जाए, और उसमें मिलाना है 1 चम्मच कोकोनट ऑयल और आधा चम्मच हनी। इन तीनों चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। ये एक स्क्रब की तरह तैयार हो जाएगा। अब हम इसे लिप्स पर अप्लाई करेंगे। आपको इस तरीके से स्क्रब करना है अपने लिप्स को। कुछ 2-3 मिनट के लिए इस तरीके से अपने लिप्स को अच्छे से स्क्रब करें, स्लोली स्लोली। आपको बहुत ज्यादा हार्श नहीं होना है, धीरे धीरे अपने लिप्स को स्क्रब करना है। 2-3 मिनट बाद एक टिश्यू से या कपड़े से अपने लिप्स को वाइप कर लीजिए, तो आप देखेंगे कि आपके लिप्स बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, स्मूथ हो जाएंगे, और सारी डेड स्किन निकल चुकी होगी। दोस्तों, अगर आपको अपने लिप्स के अराउंड या आईज के नीचे हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, तो आज मैं आपके लिए इस प्रॉब्लम का एक अच्छा सा DIY लाई हूँ। इस प्रॉब्लम के लिए आपको लेना है केले का छिलका, और जहां भी आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, मतलब लिप्स के अराउंड या अंडर आईज में या फेस पर कहीं भी, वहां आपको इसे रब करना है। और आप चाहें तो पूरे फेस पर भी रब कर सकते हैं। 5 मिनट तक इसे अपने फेस पर अच्छे से रब करें। आप इसे एक दिन छोड़कर अप्लाई करें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपकी सारी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। फिर 5 मिनट बाद अपना फेस ठंडे पानी से धो दें। दोस्तों, अगर आप चेहरे पर इंस्टेंट ग्लो चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका चेहरा चमके दमके, तो उसके लिए एक बहुत अच्छी सी होम रेमेडी है। आपको लेना है एलोवेरा की लीफ। अगर आपके पास एलोवेरा की लीफ नहीं है, तो आप एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं। लीफ को इस तरीके से काटकर उस पर डालना है 1 चम्मच कोकोनट ऑयल। अब हम इसे फेस पर अप्लाई करेंगे। आपको इस तरीके से एलोवेरा लीफ को अपने पूरे फेस पर ऐसे रब करना है। आपको रब करना है पूरे 5 मिनट के लिए। जब
भी आपको ग्लो चाहिए तब आप इस रेमेडी को फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो आप इस रेमेडी को रोज भी फॉलो कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी रेमेडी है, इससे आपका पूरा चेहरा अच्छे से चमक जाएगा, इससे आपके फेस पर एक इंस्टेंट ग्लो आएगा। 5 मिनट तक रब करने के बाद हम इसे 2-3 मिनट तक अपने फेस पर रखेंगे, फिर नॉर्मल वाटर से अपना फेस वॉश कर लेंगे। तो दोस्तों यही था मेरा आज का वीडियो। आई रियली होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो। अगर ये वीडियो आपके लिए जरा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, अभी ही लाइक कर दो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अमेजिंग कंटेंट देखने के लिए और अमेजिंग DIYs देखने के लिए। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से DIYs के साथ। तब तक खुश रहें, ब्लेस्ड रहें। आई लव यू ऑल।